हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट जर्नल एंट्री। पांच क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें सारे टॉपिक जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे टाइप हम पांच क्वेश्चन के अंदर कवर कर देंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये मॉडिफाइड फॉर्म में रहेंगे। हम चार पांच क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाएंगे कि आपकी सारी जितने भी टाइप ऑफ एंट्रीज होती हैं वो सब कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा ईजी लिया है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, ये सब हम इसमें दिखाएंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ईजी लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन वन है ये। हमने यहां पे क्वेश्चन पूरा उतार रखा है और यहां पे जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। ये क्वेश्चन में लिखा था जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हेमा एंटरप्राइजेस। हेमा एंटरप्राइजेस एक फर्म है, उसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग जर्नल ऑफ हेमा एंटरप्राइजेस, फिर फॉर्मेट बनाना है, फिर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब कैसे एंट्री को वहां पे प्रेजेंट करना है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लगाया है 1 लाख रुपीज का। रूल्स आपको याद होंगे कि कौन कौन से रूल्स वहां अप्लाई हो रहे हैं, तो उस रूल्स को अप्लाई कैसे करना है वो हम दोबारा डिटेल में नहीं रिपीट करेंगे, बस शॉर्ट में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या क्या अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसमें दो एस्पेक्ट क्या है मेरा, एक तो कैश है और एक है स्टार्टेड बिजनेस। तो जब भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, तो दो एस्पेक्ट क्या हुआ, एक तो कैश हुआ और एक हो गया कैपिटल। तो दो एस्पेक्ट हैं। कैश मेरी एसेट होती है, एसेट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट। तो कैश को क्या करना है, डेबिट। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। यहां पे हेमा बिजनेस स्टार्ट कर रही है और पैसा दे रही है, बिजनेस में पैसा लगा रही है, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए ट्रांजेक्शन। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट कैसे करें जर्नल में। तो देखिए सबसे पहले आपको डेट उतारनी है, दिसंबर 1 डेट हम यहाँ लिख लेते हैं 2016 है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखना है 2016, फिर आपको मंथ लिखना है दिसंबर, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आप खींच लेते हैं तो उसमें आप दिसंबर की जितनी भी डेट्स होंगी वो आप उतार सकते हैं। तो पहली डेट क्या है, फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ फर्स्ट उतार लेनी है, उस दिन ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश डेबिट था, कैपिटल क्रेडिट था, कैसे उतारना है। देखिए सबसे पहले डेबिट वाला उतरता है जो था हमारा कैश, कैश अकाउंट, और डेबिट यहां पर एकदम साइड में आकर लिखना है, ये रूल्स है, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या था, कैपिटल, उसको कैसे लिखना है वो भी अभी हम देखते हैं। तो कैश का अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज, तो आप डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपीज लिख दीजिए। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा टू फिंगर स्पेस छोड़कर 2 लिखा जाता है क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन, 2 कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह प्रेजेंटेशन देना है। ध्यान रखिएगा डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में उतारना है और क्रेडिट वाला यहां पर उतरेगा। ये नहीं कि आप यहां पे उतार दिया या फिर यहां पे उतार दिया, यहां पे नहीं उतरना है, कहां पे उतरना है, क्रेडिट वाला क्रेडिट के अमाउंट में और उसी के सामने 1 लाख। तो ये था प्रेजेंटेशन, प्लस एक नरेशन भी देना पड़ता है जो हम यहां ब्रैकेट में, नरेशन का मतलब होता है इस ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन कि ये ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। तो आप सिंपल ध्यान रखिएगा हर ट्रांजेक्शन के एक्सप्लेनेशन के पहले बीइंग लगा लीजिएगा, बीइंग। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहां लिख लीजिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इस तरह प्रेजेंट करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने, डेबिट का डेबिट यहां उतरेगा ही हर ट्रांजेक्शन में, डेबिट के अमाउंट में, और क्रेडिट का यहां पे उतरेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब आते हैं सेकेंड में। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया तो आप यहां पर छोटी सी लाइन खींच दीजिए यहां पर इतने में कि ध्यान रहे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, दिसंबर 2 को हो रहा है तो दिसंबर तो यहां चल ही रहा है, अब यहां पर डेट डाल दीजिए सेकेंड, और क्या लिखना है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI 30,000। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है 30,000 रुपीज से। तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो बैंक है और दूसरा बैंक अकाउंट ओपन होगा तो कैश जाएगा हमारे पास से बैंक में, तो कैश है दूसरा। अब दो एस्पेक्ट क्या है, कैश एंड बैंक। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट।
बिजनेस से कैश निकलकर जा रहा है बैंक में, तो कैश जा रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हमें पता चल गया। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, बैंक को, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो हमें डेबिट और क्रेडिट मिल गए। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में, देखते हैं क्या है, बैंक को डेबिट करना है तो आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर डेबिट लिखना है, देन टू फिंगर स्पेस टू कैश अकाउंट, इस तरह एंट्री करनी है। अमाउंट कितना है 30,000, तो आप 30,000 डेबिट का डेबिट साइड में उतार दीजिए और क्रेडिट का यहां पे उतार दीजिए। वेरी सिंपल, ये सब नहीं करेगा एग्जाम में, हम समझाने के लिए किए थे। दिस इज योर सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब इसको नरेशन दे देते हैं, बींग बैंक अकाउंट ओपन विद SBI, ओपेंड विद SBI फॉर रुपीज 30,000। वेरी सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं, एक लाइन खींच लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000। मैंने गुड्स परचेज किए हैं आशु से 20,000 रुपीज के, तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या है, देखिए सिर्फ नेम लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमें समझ में आ रहा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन और एक गुड्स, गुड्स के लिए ध्यान रख रही है, गुड्स के लिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं परचेज एंड सेल्स। जब भी गुड्स वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा परचेज एंड सेल वर्ड यूज करेंगे, गुड्स के लिए गुड्स वर्ड नहीं यूज करना है, ध्यान रखिए। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि गुड्स अगर हम खरीद रहे हैं तब भी गुड्स लिख रहे हैं, बेच रहे हैं तब भी गुड्स लिख रहे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा गुड्स परचेज वाला है कौन सा सेल वाला है, तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, गुड्स की जगह कौन से दो वर्ड यूज करने हैं, परचेज या सेल, तो इसमें क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो परचेज में एक्सपेंस हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, पैसा जाएगा, तो परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, आशु, क्योंकि उसको हमने कैश तो दिया नहीं, वो मेरे एसेट बन गया, सॉरी लायबिलिटी बन गई वो मेरी, मुझे पैसा देना है, उधार पे खरीदा है मैंने, तो आशु क्या है, ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्यों, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, ये हमें बेनिफिट दे रहा है गुड्स के फॉर्म में, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट, तो परचेज डेबिट टू आशु अकाउंट, तो एंट्री करते हैं, डेट क्या दी है, फोर्थ, तो आप यहां फोर्थ उतार लीजिए और डेबिट में क्या लिखिए, परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशूज अकाउंट, नेम के साथ हमेशा अपोस्ट्रॉफी एस लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, परचेज नेम के साथ, परचेज अकाउंट, जितने भी पर्सनल अकाउंट आएंगे उसके साथ आप अकाउंट ना लगा के अपोस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा, इतना ही करना, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशू, कितने का गुड्स परचेज किए, 20,000, तो यहां पे आप 20,000 लिख दीजिए। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, बींग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम आशु रुपीज 20,000, ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 50,000, मैंने गुड्स सेल किए हैं राहुल को 40,000 रुपीज में, सॉरी या 15,000 रुपीज में, इसमें दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो कैश है, गुड्स बेचे जा रहे हैं, और किसको बेचे जा रहे हैं, राहुल को, देखिए सिर्फ नेम लिखा है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मैंने गुड्स बेचे तो हमारे पास क्या, सॉरी ये देखिए कैश लिखा हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, वेरी सॉरी फॉर दैट, तो देखिए नेम और कैश दोनों आता है तो वो कैश ट्रांजेक्शन होता है, और गुड्स सोल्ड, अभी हमने बताया था गुड्स के लिए दो वर्ड यूज होंगे परचेज एंड सेल्स, तो ये सेल्स वाला है, सेल्स मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन, सेल्स मतलब इनकम आएगा, तो सेल्स क्या है, क्रेडिट, सेल्स इसमें हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए, तो चलिए ट्रांजेक्शन पास कर लेते हैं, एंट्री दिसंबर 6 को हो रही है तो यहां हम दिसंबर 6 डाल लेते हैं, और एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का ट्रांजेक्शन है, 15,000, तो आप डेबिट में 15,000 यहां दिखा दीजिए और क्रेडिट में भी 15,000 यहां पर
रिकॉर्ड कर लीजिए। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000। अब क्वेश्चन उठता है कि आपका पेज फिल हो गया है, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएं? उसके लिए भी एक रूल है, तो वो रूल हम आपको यहां दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट को टोटल करना है। तो यहां पे टोटल आ रहा है हमारा 30,40,50,60,165,000। तो आप टोटल लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा टोटल हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपने कुछ गलत किया है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसका भी वही आ रहा है 30,40,50,65,165,000। फिर इसके बाद आपको यहां पर लिखना है पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CFD। ये बैलेंस उठकर नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो इस तरह आपको नेक्स्ट पेज चेंज करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पेज पे भी यही करना है। देखिए यहां पर जो टोटल आया था 1,65,000, उसको कैरी फॉरवर्ड आपने यहां पर किया और लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में एज इट इज उतार लेना है अमाउंट जो पीछे आया था आपके पेज पे। फॉर्मेट वैसे ही बना लेना है, डेट उतार लेनी है और एज इट इज वैसे ही कंटिन्यू करना है। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है December 10, तो हमने 10 लिख लिया। बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, तो कैश बॉट मतलब सेल, तो दो एस्पेक्ट मिल गए हमें, एक तो कैश और सेल। नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही आपको फॉर्मेट वापस बना लेना है और यहां पर आपने लास्ट टाइम क्या लिखा था, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,65,000, 1,65,000। तो नेक्स्ट पेज पे भी वैसे ही फॉर्मेट बना के आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, वहां CFD लिखा था टू बैलेंस CFD, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट वही आपको वापस उतार देना है और एज इट इज फॉरवर्ड बनाकर डेट उतार लेनी है जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो December 10 का था। तो क्या है ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो कैश है और बॉट मतलब परचेजेस, तो दो एस्पेक्ट क्या है, मैंने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज मतलब एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो परचेज डेबिट और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट, तो हमें मिल गया ये क्या होगा डेबिट और ये क्रेडिट। तो प्रेजेंट कर लेते हैं एंट्री में, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तारा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको हमने पहले बताया था। तो देख लेते हैं क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का ट्रांजेक्शन है 40,000, तो आप डेबिट और क्रेडिट में 40,000 उतार दीजिए, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पे आपको नरेशन उतारना होगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड, लाइन खींच लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए यहां दिया है सोल्ड गुड्स टू सुमन 20,000, देखिए सिर्फ नेम लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स मैंने सेल किए हैं और सुमन क्या बन गया यहां पर डेटर, क्योंकि इससे पैसा लेना है, एसेट है मेरी, मतलब पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो यहां सुमन को बेनिफिट मिल रहा है तो इसको डेबिट करेंगे और गुड्स मतलब गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज किया जाता है, परचेज या सेल, तो ये सेल हो रही है, सेल क्रेडिट होती है हमेशा, आपको बार बार हमने बताया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पे प्रेजेंट कर लेते हैं, डेट उतार लेते हैं 11th, सुमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन उतार लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन फॉर रुपीज 20,000 में मैंने गुड्स सेल किए, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया पूरा आपका, अमाउंट उतार लीजिए 20,000, तो डेबिट में भी 20,000, क्रेडिट में भी 20,000। नेक्स्ट आते हैं 12th, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500, डिस्काउंट अलाउड 500, तो देखिए यहां पर मैंने सुमन से गुड्स खरीदे, सॉरी गुड्स सेल किए मैंने 20,000 के और उससे कितने का चेक मिला 19,500 और मैंने 500 का डिस्काउंट दे दिया उसे, तो डिस्काउंट यहां अलाउड है
मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो लॉस है मेरा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एक एक्सपेक्ट एस्पेक्ट हमें मिल गया, ये डेबिट होना है, और सुमन से चेक मिला है मतलब बैंक में जाएगा, तो ये बैंक मिल गया एक हमें जो डेबिट होगा। और कौन सा अकाउंट कैंसिल करना है, सुमन, सुमन का अकाउंट अब बंद करना होगा। तो देखिए यहाँ सुमन डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो सुमन क्रेडिट। तो हमें तीन एस्पेक्ट मिल गए, तो तीन एस्पेक्ट कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी देख लेते हैं। चलिए तो देखिए दो डेबिट है हमारे, एक तो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। डिस्काउंट अलाउड है, लॉस है मेरा, तो डिस्काउंट अलाउड यहीं पे लिखना है आपको, अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, सुमन्स अकाउंट। डेट क्या थी यहां पे, 12, तो आप यहां 12 उतार दीजिए और अमाउंट लिख लीजिए। बैंक में 19,500 का चेक आ रहा है, डिस्काउंट अलाउ आपने 500 का किया है, और उसका अकाउंट टोटल क्लोज कितने से होगा, 20,000 से। देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर चल रहा है, 20,000। तो नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन फॉर रुपीज 19,500, और पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 13th December, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 20,000। आशु को मैंने चेक दिया है, ऑन अकाउंट आ गया मतलब ऊपर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। हाँ ये देखिए, आशु को मैंने गुड्स परचेज किए थे उससे, क्रेडिट परचेज किए थे, अब मतलब उसको वापस देना है पैसा, पैसा वापस देना है, तो हमारे पास से चेक जाएगा, तो मतलब बैंक, जब चेक मिल रहा था तो बैंक डेबिट कर रहे थे, जब चेक जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। और रूल के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट है हमारा, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। देखिए यहाँ बैंक बेनिफिट दे रहा है आशु को, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, आशु को, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो देख लेते हैं डेट क्या है हमारी, 13, एंट्री क्या होगी, आशु को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है। आशुज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, ये ट्रांजैक्शन नरेशन आप लोग यहां लिख सकते हैं, बीइंग चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सैलरी पेड 500 and 2,000, एक ही दिसंबर 14 को ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो दिसंबर 14 यहां लिख लीजिए। और अब देखिए एक ही दिन दो चीजें पे की जा रही हैं, दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो दोनों डेबिट हो जाएंगे, और कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कैश में एक्सपेंस हुआ है, तो कैश क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस और सैलरी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस 500 के थे, 2000 के हमारी सैलरी थी, एंड ओवरऑल क्रेडिट कितना होगा, 2500। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये सारे ट्रांजैक्शन थे। अब इसको टोटल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल, और टोटल करके जो भी अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। 1,65,000 है, 2,05,000, 2,25,000, 2,45,000, 45 and 65,000, 65,000, 67,500, 2,67,500। तो ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर चला। सो ये एक प्रेजेंटेशन था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत इजी क्वेश्चन उठाया था। अब नेक्स्ट के जो फोर क्वेश्चंस होंगे उसमें हम सारे जितने भी टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज होती हैं उसको कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।